हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। गाइस, देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ, हमारी लिविंग टुडे ब्लॉग यानी कि निवेदिता जी ने अपनी लाइफ के लिए एक बहुत ही अच्छा फैसला ले लिया है, जो कि आई थिंक उनको बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अच्छा है जब उनको खुद ही रियलाइज़ हो गया कि अभी मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। तो अच्छा है कि उन्होंने अपने आप ही अपने मन से या अपने जो उन्होंने ठान के ये फैसला लिया है, तो उनको बहुत ही हम इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहते हैं। और चलिए बताते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ के लिए क्या फैसला लिया है। गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि निवेदिता जी अपने बच्चे के साथ पिछले 8-9 सालों से, या बोल सकते हैं कि इससे भी ज़्यादा सालों से अपने हस्बैंड से अलग रहती है, और उनके हस्बैंड कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, ना अपने बच्चे की ना अपनी वाइफ की। और निवेदिता जी इसी उम्मीद में थी कि चलो कभी ना कभी या कहीं ना कहीं फिर से वो रियूनियन हो सकते हैं, लेकिन पिछले दिनों निवेदिता जी ने कुछ ऐसा देखा जहाँ से उनको बिल्कुल पूरा पक्का विश्वास हो गया कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता है। यानी कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। तो ये चीज़ देख के उनको दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाल लिया है और अभी उन्होंने ये फैसला लिया है कि अब वो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लेगी। और मैं तो सोचती हूँ कि उन्होंने अभी सबसे अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि जिस इंसान ने पिछले 6-7 सालों से उनकी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई, अपने बच्चे तो तक को वो भूल गया, तो उससे कुछ भी उम्मीद रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। मेरे ख्याल से उनको ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन हर एक चीज़ का समय होता है, और जो समय पे चीज़ होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। अगर वो फैसला ये 6 साल पहले लेते तो शायद वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी वो आज स्ट्रांग है, और वो इतना कॉन्फिडेंटली ये फैसला नहीं ले पाती। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम आपको आगे की जीवन के लिए बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ देना चाहते हैं, और प्रेयर करते हैं कि आपकी लाइफ, चाहे आप अकेले रहो या फिर आप शादी करना चाहो, भगवान आपकी लाइफ को बहुत खुशियों से भर दे, आपको हर एक वो चीज़ मिले जिसकी आप हकदार है, कोई भी आपकी खुशियों को ना छीने और कोई भी आपके लाइफ को दुखी ना करें। हम तो यही प्रार्थना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब हमें आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे हैप्पी ब्लॉग्स, वैसे तो आप हमेशा ही हैप्पी ब्लॉग्स लेके आती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अभी और ज़्यादा हैप्पीनेस, और ज़्यादा आपके चैनल की ग्रोथ हो, और ज़्यादा आपकी लाइफ में खुशियाँ, और आपके बच्चे का फ्यूचर बहुत अच्छा सिक्योर हो, और आप और आपका बच्चा बहुत ज़्यादा तरक्की करे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।